मथुरा के बीएसए कॉलेज में हिंदी दिवस के अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कवि एवं साहित्यकार रामेंद्र मोहन त्रिपाठी को सम्मानित किया गया। जय जननी, जय जन्मभूमि, जय माथे की बिंदी की, जय संस्कृत के दिव्य लोक, जय देवनागरी हिंदी की। बता दें कि ये उद्गार हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में मथुरा के बीएसए कॉलेज में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के कवि एवं साहित्यकार रमेंद्र मोहन त्रिपाठी ने कहे। जय जन्मभूमि, जय जननी, जय जन्मभूमि, जय माता की बिंदी, जय जननी, जय जन्मभूमि, जय माता की बिंदी की, संस्कृत के दिव्य लोक की जय, जय देवनागरी हिंदी की जय। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि प्रख्यात कवि एवं साहित्यकार रमेंद्र मोहन त्रिपाठी, कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर ललित मोहन शर्मा, सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी आरएस गौतम ने संयुक्त रूप से मां सरस्वती और बाबा शिवनाथ के चित्र पर माल्यार्पण कर और दीप प्रज्वलन कर किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रमेंद्र त्रिपाठी ने कहा कि हिंदी को भले ही तकनीकी रूप से राष्ट्रभाषा का दर्जा ना मिला हो, किंतु भारत के जनमन के विषय में यह राष्ट्रभाषा के रूप में ही स्थान रखती है। हिंदी अपने आप पल्लवित हुई है, जैसा कि आपने कहा कि हम जो बोलते हैं वही लिखते हैं। दुनिया की किसी भाषा में लिपि में अंतर है और उच्चारण में अंतर है, लेकिन एक बात हिंदी भाषा ऐसी है जो वैज्ञानिक इसके वाहन अक्षर निश्चित रूप से जब से बाहर आने वाले आत्मा के नाभि से निकलने वाले स्वर व्यंजन है। और आपने पता होगा, हम तो कभी पढ़ाया जाता, हमको बचपन में पढ़ाया जाता था कि लुगंत से हम सब निकलते हैं कार भार भार भार। तो ये एक हमारे यहां विज्ञान से इस भाषा को छोड़ा गया और इसकी वैज्ञानिकता पर किसी को भी गंगा नहीं है। हमने आज तक जीवन को अंगीकार किया, हमने क्योंकि जब लाल बंगाली हिंदुस्तान में आया तो सबसे पहले हमने आघात किया कि देश की संस्कृति को पहले नष्ट करो। तो हम इस पर अपना अधिकार है, तो शासन करने आए थे। इस दौरान शिक्षकों और छात्रों के आग्रह पर कवि एवं साहित्यकार रमेंद्र त्रिपाठी ने लगभग 2 घंटे तक लगातार अपनी काव्य रचनाओं से हिंदी दिवस की सार्थकता को समझाया। और जब मंच से उन्होंने बाबरी में ढूंढते हो शबरी में ढूंढो राम, इसकन इसकन हवा चली जैसी अपनी लोकप्रिय काव्य रचनाओं को सुनाया तो श्रोताओं ने जमकर तालियों से उनका अभिवादन किया। बता दें बीएसए कॉलेज के मदन मोहन मालवीय सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में कवि एवं साहित्यकार रमेंद्र त्रिपाठी ने महाविद्यालय के 11 व 8 शिक्षकों को पटुका पहनाकर सम्मानित भी किया। इस अवसर पर केआर डिग्री कॉलेज के हिंदी विभाग के डॉक्टर हिमांशु तिवारी को भी सम्मानित किया गया। बीएसए कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर ललित मोहन शर्मा ने भी हिंदी के महत्व पर रोशनी बिखेरी। वर्ष 2011 आंदोलन हुआ तब से दादा का आशीर्वाद मुझे व्यक्तिगत रूप से प्राप्त होता रहा है। आपकी लोकप्रियता का अंदाज मुझे तब लगा कि जब 2013 में आप मध्य प्रदेश बुंदेलखंड और पूर्वांचल में बहुत लोकप्रिय थे, अपनी शहरी के लिए बहुत लोकप्रिय है, क्योंकि अब जब आप गाते हैं तो अंदर आत्मा भी गाते हैं। और आज कल मैंने जो एक हमारे ग्रुप पर एक मैसेज छोड़ा था, दुनिया के सारे दुखों को जेबों में डालकर इनके की तरह जमकर उछालते हैं हम, तूफान के रुकने की दुआ हम नहीं करते, तूफान से लड़ने का हुनर मानते हैं।
बहुत ही विशिष्ट कविता दादा की है कि आजादी के बाद कभी क्या कहने वो गांधी के भूल रहा हूँ छुटे आगे गांधी के। तो आपकी शैली युवाओं से लेके बच्चों से लेके अध्यात्म से लेके होश से लेके श्रृंगार से हर विधा की आप करती है। जैसे कि इस क्षेत्र में ब्रजभाषा है, आप लखनऊ और अयोध्या में चले जाएंगे तो अवधी है, राजस्थान में मेवाड़ी मालवी राजस्थानी, छत्तीसगढ़ी में हमें बघेली और क्या कहते हैं नाना प्रकार की, ये थोड़े थोड़े उप भाषाओं के रूप में हिंदी का स्वरूप है। अगर हमें हिंदी को जीवित करना है, हिंदी को विश्व में स्थान बनाना है तो हिंदी उप भाषाओं में हमें काम करना जरूरी है। हमें ब्रजभाषा में भी लेखन करना है, हमें अवधी में भी लेखन करना है, हमें राजस्थानी में भी लेखन करना है। निश्चित रूप से हमारे कार्यालय स्तर पर एक मानक हिंदी का प्रयोग किया जाता है, लेकिन हिंदी आगे तभी प्रगति करेगी जब वो अपने क्षेत्रीय स्तर की जो भाषाएं हैं, चाहे वह ब्रज हो, चाहे वह अवधी हो, चाहे वह राजस्थानी हो, बघेली हो, जो हिंदी की उपभाषाएं हैं, बोलियां हैं, क्योंकि बोली क्या होती है, हमारी व्यक्तिगत होती है और यही बोली जब हम परस्पर आपस में चर्चा करते करते आते हैं तो समाज की बन जाती है और जब समाज की बनती है उसे ही हम भाषा कहते हैं, हिंदी भाषा। लेकिन उसकी आत्मा जो है वो उसकी बोली है, तो हमें अपनी बोलियों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। जब तक हम अगर हमारी बोली मर चली जाए, संसार में मात्र यही एक भाषा है जो अपने गुणों के कारण प्रगति कर रही है हर क्षेत्र में। प्रीमियम क्वालिटी सम्राट केसरी सुपारी, जिसके जायके में है सुगंध और भरपूर ताजगी का एहसास।